क्रश करो टोपी वाले, पाकिस्तान जाएंगे। चुप, बिल्कुल चुप। भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लोड़े मच्छर की झाड़। खुला चैलेंज भैया, जिस पर रुके रोक लो, आएगा मोदी 2024 में। मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर जी दिखाइए तो। मोदी अच्छा करे ना, मुझे क्या पता, मैं तो खुद कमा के खा रही हूँ। मोदी रोटी थोड़ी देने आ रहा मुझे। मोदी रोटी अच्छा, मोदी से मजा नहीं आ रहा। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। नहीं चल रहा, तुम दे दो बदल के। 2000 तो बंद हो गया। अभी तो कह रही हो चल नहीं रहा, कहां चलाऊं सर, मोदी के घर ले जाऊं क्या? नोटबंदी से फायदा नहीं हो रहा है। क्या फायदा, मेरा तो घाटा ही है। 2000 का नोट ना चल रहा। राशन वगैरह ले रही, गैस वगैरह तो मोदी जी दिए होंगे। 1104 रुपए का गैस ले रही हूं, 404 रुपए का लिया करती थी। नहीं इससे ज्यादा क्या मोदी की बड़ाई सुनोगे? ये तो तकलीफ वाली बात है भैया, तकलीफ बड़ी, बहुत तकलीफ है मुझे तो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। 2024 मांगे मोदी जी, और ये बनेगा 2025 में हिंदू राष्ट्र। तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ। अरे यो टोपी वाले, पाकिस्तान जाएंगे। खुला चैलेंज भैया, जिस पर रुके रोक लो, आएगा मोदी 2024 में। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए, बकरे तो चाहिए नहीं जी, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम पागल हैं पागल, ये सही गलत का पूछ रहे हो हमसे? दुनिया भर की गंदी परखे फिर का उठा रखा हमने, है? हमें तो खुदा पता नहीं कि हम यहाँ का कर रहता नहीं। सही गलत पूछ रहे हैं। नहीं चाहिए बकरे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बकरे नहीं कटने के। ये इंडू जनरेशन आगा, हिंदू राष्ट्र आगा। कटने में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है जी। क्यों? उधर तुम काट रहे हो, जो तुम्हारा वो बोल का गए, उसमें लिख रहा बाइबल में कुरान में। बकरे तो हिंदू भी खाते, मुस्लिम सब खाते बकरे। वो खाते सही, पर भाई हो ना रंगे। जो हिंदू बकरे खाते उसमें क्या? जितने हो मुसलमान के बुर्का खाते हैं। 500 मुसलमान चले गए, क्राइम कम होगा, क्राइम बिल्कुल कम होगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। चाचा चौधरी के चौथे चौधे निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। 2024 में आगा भाई मोदी, और 25 में हिंदू राष्ट्र। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हैं? कुकर वाली एक मिल गया, तुम 10 गिनवा दो और मैं 10 मुसलमान गिनवा रहा हूँ। कौन है? क्यों? हाँ गिनवाओ, हिंदू गिनवाओ और मैं 10 मुसलमान गिनवा रहा हूँ। लव एंड अफेयर के मामले में भारत में डेली 45 मर्डर होते हैं, पता है आपको? 45 मर्डर होते होंगे तो उसमें से 44 मुसलमान ही करते होंगे। क्या कह रहा चूतिया? हाँ सर, डाटा आपका है, आप एनसीआरबी का डाटा देखे, गलत बात मत फैला। जो टोपी वाले पाकिस्तान जाएंगे तो आप मंत्री है क्या पाकिस्तान के? मैं यहाँ का मंत्री हूँ। शुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। यो पाकिस्तान जाएंगे और हम भेज करेंगे, मोदी जी के साथ है। पाकिस्तान में आपकी रिश्तेदारी है क्या? रिश्तेदारी हमारी क्यों होगी? हम अभी तो भेज रहे हो, लोग अपने घर तो भेजते हैं। अपने घर क्यों भेजते हैं? थोड़ी भेजते हैं, वीजा भी बनवा देंगे जी, जैसे जाना भेजो। पाकिस्तान आपका घर है क्या? है पाकिस्तान आपका? कुछ भी ना सही, करना सही, कुछ भी ना सही, उन्हें पाकिस्तान भेजेंगे। पाकिस्तान मेरा घर थोड़ी है, आपका घर थोड़ी है। मेरा घर ना सही, मैं कहीं आपको भेज रहा हूं, अपने घर भेज। पड़ोस तो है, पड़ोस में भेज देंगे। आपकी बात मान रहे हैं? हां जी, पड़ोस में भेज देंगे। 2024 में मोदी और इसके बाद योगी। संविधान मानते हैं भी है कि नहीं मानते? बिल्कुल माने जी, बिल्कुल माने। संविधान हिंदू राष्ट्र थोड़ी है। क्यों नहीं है? हिंदू राष्ट्र ही बनेगा, संविधान भी हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू हिंदू होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहां पर। जीएसटी ठीक है? जीएसटी से क्या फायदा? जीएसटी से क्या फायदा नहीं हुआ, सिस्टम से काम हो रहा है, कहीं पे भी अनलीगल काम नहीं हो रहा है। झूठ बोल रहा है, ठीक है? पहले ट्रक में भर के ट्रांसपोर्टेशन में बिना बिल के यहाँ से वहाँ पहुँचा देते थे। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है वो आप बताओ मुझे। जीएसटी बता रहे हैं, जीएसटी के फायदे बता, लेकिन फुल फॉर्म नहीं बता। जीएसटी के फायदे मैंने गिना दिया ना आपको, फुल फॉर्म से क्या करना है आपको? फिर फुल फॉर्म से क्या करना है आपको? आप बताओ मुझे, आपने बोला कि चाइल्ड गवार हो तो जीएसटी से क्या? जीएसटी इसलिए तो पूछ रहे हैं आपसे, जीएसटी मैंने उसके फायदे आपको गिनाए ना। फुल फॉर्म नहीं बता रहा यार, जी मैंने तो कल न्यूज देखा वो नाइट में, अमेरिका से संगठन हो गया है, अब देश का सुधार होगा। बस क्या सुधार होगा? सबको सुधार होगा भाई, अब तक सुधार नहीं हुआ क्या? मोदी के आने पे क्या क्या सुधार है? बैठो आगे तक तेजी से काम चल रहा है हर चीज का। बेशक मोदी जी ने नहीं किया था, पास पीछे से हुआ बेशक, मुझे नहीं पता। कांग्रेस के जमाने से, कांग्रेस के जमाने से, लेकिन कांग्रेस ने किया कुछ? कुछ क्या किया ये बोलो? अभी कह रहे मेट्रो करप्शन है, मोदी के आने पर करप्शन खत्म हो चुका है, घोटाले कम, घोटाले कम हो चुका है, सब कुछ कम हो चुका है, ए टू जेड जिसको जो चाहिए वो दे रहे हैं। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है, भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। आपको लगता है कि मेरा नाम दानिश मोदी जी के विरोध बोलेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं। नाम क्या है? नाम क्या मोदी को तो उम्मीद है कि मुसलमान वोट करेंगे हमको। मस्जिद जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? मुसलमान तो वोट करते हैं, पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे करते हैं, अटकेंगे कोई भी, लेकिन मोदी ही आएंगे 100%। लाल किला बेच दिया, सही है, लाल किला बेच दिया। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा हिंदुस्तान में कभी भी सरकार आए कांग्रेस की आएगी और वही हिंदुस्तान को संभाल सकती है, बाकी किसी के बस की नहीं। वो तो कहते 75 साल लूट लिया, कोई नहीं लूटा, सब खा कमा रहे थे। कांग्रेस ने लूटा 70 साल नहीं लूटा। कांग्रेस अभी में क्या फर्क देख रहा है? कांग्रेस में और बीजेपी में बहुत फर्क है। क्या फर्क? पहली बात तो यही, टाइम भी आप टैक्सी चला रहे होंगे तो क्या फर्क देख रहे हैं?
भाई फर्क बहुत है, कारोबार को लेके, हर चीज को लेके, महंगाई को लेके, हर चीज में लेके फर्क है, आपको ही पता है चीज का, समझ रहे हो आप। मैं तो यही कहूंगा, ज्यादा तो कोई बोलना नहीं चाहता कि हिंदुस्तान को अगर कोई संभाल सकता है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ही मतलब बस कांग्रेस संभाल सकता है। कहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? घोटाला नहीं होता, पहले 2G घोटाला, 3G घोटाला, अभी G20 आ रहा है ना, तो घोटाला का पहले पता चलता है, जब सरकार दूसरी चलती तब पता चलता है घोटाला। तो पहले कांग्रेस आएगी तो पता चलेगा कि मोदी जी में क्या घोटाले हुए। घोटाला सबका पता चलता है, कांग्रेस ने भी क्या तो भी सबका पता चला है, जब दूसरी सरकार चलती तभी पता चलता कि घोटाला क्या है। घोटाला निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा? खाऊंगा ना, खाने दूंगा वाले सरकार है। 2000 के नोट जमीन में गाते पता चल जाता सेंसर से। कहाँ है वो नोट, कितने नोट छापे हैं? बंद कर दिए। तो नोट पूरे थोड़ी मिले RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जितने नोट छापे कहते हैं उतने पूरे थोड़ी मिले रिटर्न में। कहाँ गए वो नोट? ये गड़बड़ है बाबा। भाई बिल्कुल बेकार रहा। क्या क्या बेकार रहा? सारा कुछ बेकार है, इसमें अच्छा क्या हुआ है बताइए? कुछ बुराई क्या है? अच्छा है क्या हुआ बताओ मुझे। कह रहे राम मंदिर बनाया, कुछ फायदा नहीं करा। जहाँ अस्पताल बने चाहिए राम मंदिर बना रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या नाम हुआ? विक्रांत। मतलब मंदिर से घुस नहीं है? नहीं है। यहाँ पूरा गदगद है, सब चौबीस के लिए तैयार है। सब कौन चौबीस के लिए तैयार है? मोदी को वोट भी नहीं मिलेगा। मोदी को क्यों वोट नहीं मिलेगा? भागेगा मोदी यहाँ से? मोदी जी, मोदी भैया, मोदी जाएगा। क्या किया मोदी? मोदी ने काम नहीं किया? काम किया है, बहुत अच्छा किया है। गुंडागर्दी खत्म हो गई है। बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश